हमेशा होती आई है पुराने टाइम से और अभी भी, और खेसारी जी ने अच्छा काम किया है इसमें, और सबसे ज़्यादा मैं बधाई दूंगा प्रोड्यूसर राहुल जी को जो इतना इनिशिएटिव लिया उन्होंने और इतनी अच्छी पिक्चर बनाई। बाकी खेसारी जी के साथ में मैंने भी काम किया है पूर्ण परिवार में, तो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, और आगे भी हम प्लानिंग कर रहे हैं एक अच्छी मूवी बनाने का। तो आज मैं राज चौहान अपनी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और साथ में मीडिया वालों को भी इस तरह से कोऑपरेशन करते रहे, प्रोड्यूसर्स का, एक्टर्स का और टेक्नीशियंस का मान बढ़ाते रहें, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे होगी प्यार की जीत, लुक कैमरा, अच्छा होगी प्यार की जीत, बिहार झारखंड के धमाल मचाने के बाद मुंबई में आज रिलीज हो रही है, गुजरात में हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैं तो सर बिहार भी जाके आया हूँ, दर्शकों का इतना बड़ा हुजूम, इतना प्यार, इतना लोगों में उत्साह पहले से थी फिल्म को देखने के लिए। थिएटर में मैंने यहाँ तक देखा कि औरतों की बहुत बड़ी भीड़ इस फिल्म के लिए थी, और ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है, इमोशन है, रोमांस है, एक्शन है, सारी चीज़ों से एक मसाला फिल्म जिसे कहते हैं भोजपुरी में, इसे आप परिवार के साथ में देख सकते हैं, बहनों के साथ में, माँ के साथ में, बीवी के साथ में, बच्चों के साथ में, कहीं आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, जैसे भोजपुरी को लोग जानते हैं, लोगों की नज़र में भोजपुरी वर्गल फिल्म कही जाती है, लेकिन होगी प्यार की जीत पारिवारिक फिल्म है जिसको डायरेक्टर बंटी ने, इश्तियाक शेख बंटी ने बहुत ही बखूबी अंदाज से बनाया है। राहुल कपूर जी ने एक अच्छी फिल्म बनाने का प्रयास किया है, और फिल्म मैं चाहूँगा कि जैसे बिहार के लोगों ने प्यार दिया वैसे यूपी और गुजरात के लोगों का भी प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू। जल्दी करो बाद में ले लो। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है, होगी प्यार की जीत, धमाल मचा दिया है फिल्म जी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मुंबई बिहार झारखंड और नेपाल बहुत अच्छी रही है, आपने दीपावली से पहले आपकी दीपावली कर दी जी। जी 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 काफ़ी अच्छी रही, आज बॉम्बे में रिलीज़ हुई है, गुजरात में रिलीज़ हुई है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे फिल्म वहाँ चली है उससे बेहतर और ज़्यादा लोग प्यार मिलेगा इस फिल्म को, और लोगों को फैमिली के साथ ये फिल्म देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग फैमिली इस फिल्म को काफ़ी पसंद करते हैं, तो आप प्लीज़ फिल्म जो है फैमिली के साथ देखें, और मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद। कितने थिएटर में एक साथ रिलीज़ किया गया? मुंबई सर्किट में, मुंबई और गुजरात में 63 थिएटर है, 63 में हमने रिलीज़ किया है, नेक्स्ट वीक में शायद और बढ़ जाएगा। कितनी कमाई हो गई है? कमाई नहीं बताई जाती है, क्योंकि कमाई बताने से गड़बड़ हो जाएगी। हाँ साथ में आपको बहुत बड़ा चैलेंज था मोकामा जीरो, आपके साथ में लगी हुई थी, कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? जी डेफिनेटली वो एक बड़ी फिल्म है, बड़ी स्टार कास्ट है, अच्छी मेकिंग थी, उसमें सब अपना अपना काम करते हैं, हमारी अपनी अलग मेकिंग होती है, हमने इससे पहले भी फिल्में बनाई है, वो अलग तरीके की फिल्म थी, तो हर प्रोड्यूसर का, हर एक्टर का एक अलग अपना सोच होता है, उनकी अपनी अलग ही होता है, सबकी अलग स्टोरी होती है, सबकी अलग कहानी होती है, सबके बनाने के तरीके अलग होते हैं, उनके अलग तरीके थे, हमारे अलग तरीके, और हर इंसान, हर प्रोड्यूसर जो है अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करता है, उन्होंने भी अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की, हमने भी अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की, ये दुर्भाग्य है कि हम एक दूसरे के सामने आ गए, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने उनको भी शुभकामनाएं दी है कि उनकी फिल्म अच्छी चले, और हमारी तो डेफिनेटली चली रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं ना कहीं मुकामा की बेचैनी बड़ी और होगी प्यार की जीत ने मनाया दशहरा, क्या कहते हैं? मैं इस बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे भाई की तरह, और मैं उनको अपने तहे दिल से
शुभकामनाएं देता हूँ उनकी फिल्म के लिए। तो ये लोगों का प्यार है, तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं लोग किसी बड़े भाई को कम दे देते हैं प्यार, छोटे भाई को ज़्यादा दे देते हैं, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। तो मुकामा तेवर वाली फिल्म थी और वही एक सॉफ्ट लव लव स्टोरी वाली फिल्म होगी प्यार की जी, होगी प्यार की जीत में भी तेवर है क्योंकि इसमें एक पूरा फैमिली ड्रामा है जो एंटरटेनमेंट वैल्यू चाहिए आज की तारीख में, जो हमारे ऑडियंस जो परिवार जो इस फिल्मों से दूर हो चुका है, औरतें नहीं देखती है बिहार में इस फिल्म को, औरतें देख रही हैं। तो ये एक तो पहले यूए सर्टिफिकेट है जब हमारी सबसे पहली जीत हुई, और ये लव स्टोरी है, रोमांस है इसके अंदर, कॉमेडी है, तो जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए होता है एक फिल्म के लिए, एक मसाला फिल्म है, वो उस तरह से है। तो आप ये कहीं लगे मानते हैं खेसारी लाल भोजपुरी अखाड़े के नंबर वन पहलवान है अभी फिलहाल फिल्म के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से हो सकता है वो पहले नंबर पे हो, लेकिन आने वाली फिल्म में बताएगी कि कौन पहला और कौन दूसरा। और एक्चुअली किसी को भी पहला और दूसरा नहीं करना चाहिए, पहले तो आप ये करिए कि आप अच्छी फिल्म बनाइए, अच्छा काम करिए, तो लोग आपको सराहेंगे और आपको प्यार मिलेगा, और वही सबसे बड़ा प्यार होता है, वही नंबर होता है। चलते 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 हैं स्वीटी जी के पास, दीपावली से पहले दीपावली हो गई है। सही कह रहे हैं, ये हमारे लिए हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, और थैंक यू सो मच ऑल माय व्यूअर्स जिसने ये हिट बनाई है यूपी बिहार में भी, और थैंक यू सो मच राहुल जी एंड एंटायर टीम जिन्होंने एक अच्छी फिल्म हमारे लिए बनाई और हमारी ऑडियंस के लिए बनाई। बहुत टाइम बाद मैं कहूँगी कि एक थोड़ा सा अलग हटके एक अच्छी फिल्म आई है जहाँ पर सही में हम लोगों ने एक कहते हैं कि एक फीमेल ऑडियंस के लिए हमने फिल्म बना दी पूरे परिवार के साथ। तो कहते हैं स्वीटी ने अपने अपने अदाओं से मुकामा जीरो की बेचैनी बढ़ा दी, क्या कहना चाहिए? ये तो दर्शक बताएंगे क्योंकि दर्शकों की बेचैनी कितनी बड़ी है मुझे देख के, क्योंकि इतने सालों से इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, और मेरे को लगता है मेरी आने वाली फिल्म में और जो मैंने फिल्में की हैं वो ऑलमोस्ट जो फिल्में थी वो ऐसी थी कि जिन्होंने दर्शकों को खींचा है अपने थिएटर की तरफ, और ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई, मुझे बहुत खुशी है पूरी टीम के लिए, और हर फिल्म सब लोगों ने मेहनत की है, और जितनी फिल्में हमारे साथ रिलीज़ हुई थी उन सभी फिल्मों ने सभी ने मेहनत की, लेकिन वही है कि दर्शकों की भी अपनी चॉइस है और हम लोगों की मेहनत भी है, ऊपर वाले ने हम लोगों का सपोर्ट किया, माता रानी ने कहा और रात में फिल्म रिलीज़ हुई थी। जी पूरे फिल्म शूटिंग के दौरान रिलीज़ के दौरान खेसारी के साथ कोई ऐसी अनटोल्ड स्टोरी जो हुई हो, आप घटना हो आप शेयर करना चाहेंगे? हमारे लिए तो कह रहे हैं कि सारा वो इवेंट ही था और खास सभी कुछ था क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम साथ में काम कर रहे थे, पूरी टीम जो थी वो एक फैमिली की तरह काम कर रही थी वहाँ पे, तो जैसे कि फैमिली में लोग जो कि वो झगड़े प्यार लड़ाई सब तकरार सब टाइप का सब कुछ चल रहा था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम शूट पर आए हैं, ऐसा लग रहा था कि हम किसी बारात में आए शादी का माहौल है, सारे बाराती हैं, और बड़ा इन्जॉय करके सब लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा लगे। मतलब का सिक्का अभी भी चल रहा है क्या? ये तो आप लोग के ऊपर है और ऑडियंस के ऊपर है कि वो सिक्का चलाते हैं, मुझे लग रहा है कि सही में अभी जान पा के बनाया होगी प्यार की जीत, और वो
पसंद आई। नया जनरेशन आजकल नई बात ला रहे, नया डायरेक्टर एक नई बात ला रहे, हमें बहुत खुशी होती है हमारा बच्चा आगे बढ़े, हम लोग उसको सब खुश कर रहे हैं, बस हमारा आशीर्वाद है उसके साथ, हमारी पिक्चर एकदम सुपर होती है। जब आपका किया हुआ कार्य सराहा जाता है, वो गाना बहुत ही सराहा जा रहा है, बहुत मतलब उसको लड़की बना के डांस करवाना, एक नया आइटम कुछ करना, नहीं तो एक कॉमन हर जगह वो लड़की बन के डांस करता है, ये पिक्चर में एक नेचुरल एक नयापन है और ऑडियंस ने लाइक किया, हमें बहुत खुशी हुई, ऑडियंस ऐसे ही लाइक करते रहे, हम लोग कुछ नया नया करते रहे आगे। तो कितना कितना मतलब ये आपको कॉपरेशन मिला लड़की बन के कर लड़के से लड़की बनने में करने में, क्या कुछ चैलेंज रहा? बहुत कॉपरेशन मिला, लड़का सारी रंग से बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, कमाल है, वो इतना घुस जाता है काम में, जो उसका रोल है वो समझ जाता है क्या करना है, वो हिसाब से वो करता है और मेहनत बहुत अच्छा करता है, हम लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं, हमको अच्छे आर्टिस्ट मिलते हैं तो हमारा काम भी अच्छा चलता है, जब नए होते तो हमारा काम भी अच्छा नहीं होता, खाली दो आदमी बनती, एक्टर अच्छा हो तो डांस डायरेक्टर अपना कितना भी मेहनत करो दिखता है, तो यही है सब ने कॉपरेट किया है, तो कितना अच्छा गाना बना इतनी अच्छी खुशी है। स्वीटी तो बहुत है, स्वीटी के साथ तो बहुत काम किया, हिंदी भी की है काफ़ी, वो तो बहुत कॉपरेट है, हर डांसर वो अच्छी है, और इतने साल में गैप कर ली, गैप के बाद आई और एक अच्छी पिक्चर आई और हिट हो गई, वो लड़की बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी नेचर वाइज है। अभी हम खेसारी ने हम लोग से पहली फिल्म डायरेक्ट किया है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, मैं दर्शकों से निवेदन करूँगा प्लीज़ एक बार चेक करिए, क्योंकि फिल्म वाकई बहुत खूबसूरत है, परिवार के साथ जाके देखें, खेसारी ने मेरे को भेज दिया, आप पूरे परिवार के साथ जाके फिल्म कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है, धमाल मचा दिया होगी प्यार की जीत। सर बहुत खुशी हो रही है, पहली फिल्म है होगी प्यार की जीत, बतौर निर्देशक से पहले काफ़ी फिल्में किया एसोसिएट डायरेक्टर ने, पहली फिल्म है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और बड़ा बड़ा अच्छा फील होता है सर जब बिहार अभी फिल्म एक पिछले हफ्ता रिलीज हुई है बिहार में, और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ लोगों का, फिल्म लोगों ने बहुत पसंद की, और जाहिर सी बात है जब पहली फिल्म और कोई पसंद करके जब आपको वाह वाही देता है फ़ोन पे या सामने से जब वाह वाही मिलती है तो आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं। सामने आपके बहुत बड़ा चैलेंज था मोकामा जीरो, बहुत बड़ी बड़ी केवर वाली फिल्म थी और आपने उसको मात दी, कैसे किया आपने, कैसे कैसे ये सब हुआ क्या? सर हमने कोई मात नहीं दी सर, ऑडियंस होती है सर, वो ऑडियंस देखती है फिल्म, डिसाइड करती है कि इसको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, मोकामा अपने आप में बहुत बड़ी फिल्म थी, होगी प्यार की जीत भी अपने आप में एक मुकम्मल फिल्म थी, तो दोनों फिल्म अपनी अपनी जगह स्टैंड करती थी, ऑडियंस को डिसाइड करना था कि उसको कौन सी फिल्म देखना है, सबका इंडिविजुअल चॉइस होता है, मेरा अलग होगा आपका अलग होगा इनका अलग होगा, सबका इंडिविजुअल चॉइस होता है उनको देखना क्या, तब मैं खुश हूँ कि फिल्म को दर्शकों ने का प्यार मिला, लोगों ने उसको पसंद किया सराहा, और वही रिस्पॉन्स मैं चाहता हूँ कि बॉम्बे में भी मिले, यूपी में भी, इनफैक्ट फिल्म का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा रहा, यूपी में भी एक टफ कॉम्पिटिशन था मुकामा का, लेकिन काफ़ी अच्छा मतलब एक आदमी सेटिस्फाइड कलेक्शन के साथ फिल्म यूपी में भी चल रही है। कितने थिएटर में रिलीज हुई और कितनी कमाई हुई? सर कमाई का फिगर तो एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी फर्स्ट वीक के बाद ही फिगर एग्जैक्टली आउट होता है, क्योंकि अभी ब्लॉक कलेक्शन होते हैं उसके बाद काफ़ी खर्चे होते हैं उसमें से, तो एग्जैक्टली मैं फिगर नहीं आउट, लेकिन बिहार में कुछ 61 या 62 सेंटर्स में बिहार में फिल्म थी, और यूपी में कुछ 22 या 23 के आसपास थी, और बॉम्बे और गुजरात मिला के 52 या 53 के आसपास ये सेंटर्स में मतलब फिल्म रिलीज हुई। तो अंदाज़ा तो आ गया होगा ना एक कितने सी आर अंदर आए? नहीं नहीं सर टैक्स पूरा इधर ही लगता था भरवाओगे तो नहीं, ऐसा नहीं है सर कि कलेक्शन का मैंने इनफैक्ट पता भी नहीं किया, क्योंकि एक अलग डिपार्टमेंट पूरी फिल्म का खर्चा निकाल दिया स्वीटी ने, पूरी फिल्म का खर्चा निकाल दिया जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वीटी जी तो मतलब चंगा चंगा काम करके चंगा चंगा रिस्पॉन्स लेके मज़ा आ गया, बहुत मतलब मज़ा आया इनके साथ काम करके। केमिस्ट्री रहा स्वीटी और खेसारी का? सर केमिस्ट्री का कहूँ तो ऑडियंस खुद ही ये बता रही है कि कितना अच्छा केमिस्ट्री, ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया दोनों की, दोनों की नोकझोंक को भी पसंद किया, दोनों के टकरार को भी पसंद किया, दोनों के प्यार को भी पसंद किया, वो हर एक चीज़ जो चाहिए होता है ऑडियंस को ये दोनों ने दिया,
और इसके लिए तो मैं सबसे थैंकफुल करना चाहूँगा क्योंकि ये लोग ने मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील होने दिया कि आपकी पहले फिल्म है, सरेंडर कर दिया, बस करो आप लोग शूट अपने हिसाब से करो। और खास करके स्वीटी जी ने काफ़ी सपोर्ट किया, हर चीज़ में डिस्कस किया मेरे से कि आप चाहते क्या हो, आप करना क्या चाह रहे हो, मैं वैसे करके देता हूँ, वो करके दिए। तो दोनों आप एज ए डायरेक्टर आप नए थे और ये दोनों सीनियर थे, कितना दोनों ने परेशान किया आपको, मोबाइल पे लगे रहना, टाइम पे नहीं आना? नहीं नहीं, मैं तो उल्टा लकी फील करता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी फिल्म जब मैं असिस्टेंट में काम किया तो मैंने देखा आर्टिस्ट का टेंशन होते हैं, नो डाउट, नहीं होते ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन मैं इसमें काफ़ी लकी रहा कि मुझे कभी नहीं, अगर मैंने बोला कि मुझे कल 7 बजे शॉट लेना है या मुझे किसी दिन, मैंने सनराइज़ का भी शॉट है फिल्म में तो मैंने सनराइज़ लेना था, तो मैंने इनको कहा कि मुझे विद मेकअप आप 5 बजे मुझे चाहिए, बोले मैं डन मिलती हूँ, और ये 5 बजे 5 के आसपास ये थी और उन्होंने वो शॉट लिया सनराइज़ का शॉट, तो बड़ा अच्छा लगता है कॉपरेटिव अगर आदमी रहे तो बहुत अच्छी। आप दर्शकों की दुआओं से प्यार की जीत हो गई और जीत की खुशी कितनी होती है ये सबके चेहरों पर दिख रही है, दर्शक खुश, हम खुश, बहुत अच्छी, बहुत उम्दा और बहुत सुसज्जित फिल्म है जिसपे सब लोगों ने अपने अपने विंग में अलग अलग तरीके से मेहनत करके एकजुटता के साथ सिनेमा को परोसा है, तो मज़ा आ रहा है। अच्छी फिल्में जब लोगों को पसंद आती है तो इंडस्ट्री का ग्रो होता है, इंडस्ट्री ग्रो होता है, जब इंडस्ट्री ग्रो तो हम सब ग्रो। हाँ अदित जी, बहुत बड़ा चैलेंज है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, 2 बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई, उनको थिएटर नहीं मिल रहा था, मिलने के कारण 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई और ये कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के सेहत के लिए ख़राब बात है, तो क्या कहना चाहेंगे, 2 बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी कंपटीशन बढ़ जाता है लेकिन ऐसा नहीं है, जो फिल्में अच्छी हैं एक बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि दर्शक हमारे इतने जागरूक हो गए कि अब जो फिल्में अच्छी हैं उनको सराहते हैं, जो अच्छी नहीं उनको नकारते हैं। अब ये बेवकूफ़ इनको जो हम लोग बेवकूफ़ बनाते आ रहे थे इतने सालों से, अब ये बेवकूफ़ बनने वाले नहीं, बड़े समझदार हो गए और प्रतिक्रिया तुरंत देते हैं, आएंगे सिनेमा देखने प्रतिक्रिया एकदम दे देंगे कि फिल्म अच्छी नहीं है, फिल्म बुरी है। तो सिनेमा एक ऐसा इंटरटेनमेंट का माध्यम है जो हेल्दी अगर इंटरटेनमेंट हो तो लोग उसमें हैप्पी होते हैं, यही होगी प्यार की जीत में, देखिए कितनी फैमिलीज आ रही है, फैमिलीज का भरमार। सिनेमा अगर हम परिवार को पकड़ लेते हैं, परिवार से दूर रह के सिनेमा बनाया नहीं जा सकता है, केवल हम यंगस्टर्स में, बच्चों में या बुजुर्गों में, एक ऐसी फिल्म बनी है जिसको मैं अगर बोलूं कि इतने दिनों से इस इंडस्ट्री में हूं तो इतनी मेहनत किया है हमारे एक डायरेक्टर ने जिनको मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, जो असिस्टेंट रहे हैं कई लोग, कई अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के असिस्टेंट रहे, सिनेमा बनाया है तो मेहनत तो रंग लाती है। तो कहीं ना कहीं चैलेंज था आपके सामने मुकामा जीरो, सुशील कुमार एक तेवर वाली फिल्म, वहीं अवधेश एक सॉफ्ट फिल्म होगी प्यार की जीत मतलब लेकर आ रहे थे, तो कितना चैलेंज था आपको और मुकामा की बात करें तो कितना चैलेंज था आपके लिए? चैलेंज जीवन ही एक चैलेंज है, हर पल चैलेंज, और मेरा कंपटीशन सिवाय मेरे इस धरती पे किसी से नहीं है, खुद से लड़ जाता हूँ। सुशील सिंह से कितनी कॉम्पिटिशन? हाँ मैंने बोला ना, इस ब्रह्मांड में सिवाय अवधेश मिश्रा के मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मैं जब एक डायलॉग बोलता हूँ लगता है कि यार इसमें ये हो जाता तो बेहतर होता, मैं खुद में इतना उलझ जाता हूँ कि दूसरी तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। सुशील जी बड़े अच्छे एक्टर, बहुत उमदा अभिनेता है, हमारे सीनियर भी हैं, बड़ी कदर करता हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने मुकामा में, मुकामा को बिल्कुल जीवित कर दिया है। तो एक से इंडस्ट्री नहीं होती है, सबसे होती है, हर लोग मिलते हैं, एक एक मोती मिलकर के माला बनी है और हर मोती अपने आप में सुसज्जित हो तो ज़्यादा माला पहनने का आनंद आता है। बहुत अच्छे अभिनेता, बहुत अच्छी फिल्म मुकामा, ये फिल्म बहुत अच्छी, तो एक हैप्पी है अभी, मतलब हैप्पीनेस है इस भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, सब खुश हैं कि सिनेमा बड़ी, अब कोई कंजूसी नहीं करेगा कि छोटी फिल्म बना करके कुछ भी है मैं करके नहीं करेगा। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत दीपावली और छठ की मुबारकबाद।